रिश्ता मास्क लगाने वाले सबको भी के लिए होती है, कहते हैं ये रिश्ता बहुत गहरा बने और जिंदगी भर चले, यही दुआ करते हैं सब लोग। कोई खास टिप्स शादीशुदा लोगों के लिए देने के लिए कि कुछ खतरे से कैसे बचा जाए, घर में शांति और सुख का माहौल कैसे? मतलब ये एक ऐसा गेम है बाबा जिसमें कोई रूल लागू नहीं होता और हर रूल लागू होता है। मतलब अगर आप ये मान के चलें कि आप एक स्टेप लेंगे तो सामने वाला, ये चेस का गेम है, कौन किसको कौन कैसी चाल चलेगा, यहाँ वो घोड़ा सीधा भी चल सकता है, उल्टा भी चल सकता है, हाथी जैसा माय मन चाहे चल सकता है, यहाँ कोई नियम नहीं है। अच्छा, एक विश अगर आप दे दें करण और अंकिता। अंकिता को मैं ज़्यादा जानता हूँ, वो घर की बच्ची जैसी है, बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें, तरक्की करें और खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। थैंक यू। करण और अंकिता को उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई, और वो एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू माय फ्रेंड। ये ले लेना बहन, किसका है? अरे ये छोड़ो यार, सर, अरे क्या ये काट लूंगा मैं। करण अंकिता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब आपकी कैटेगरी में आ गए, शादीशुदा हो गए, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे उनको? He's joined the clan अभी, happily married people. तो सर अभी तो शादी हुई है, happily married, आप मुझे की गारंटी से कैसे? मुझे मालूम है, आएगा यहीं पे आने वाला है, हम पहुंचे हैं। अच्छा सर, कोई खास आशीर्वाद कुछ देना चाहेंगे? आई विश हिम ऑल द बेस्ट, इज अ गुड बॉय एंड इज अ गुड मैच, मालिक करे उनको बहुत बहुत सुख और शांति और हैप्पीनेस मिले। थैंक यू सर। सर 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 फोटो हाँ पानी पड़ता। अंकिता, आप दोनों के क्लब में शामिल हो गए हैं, मतलब मैरिड कपल हो गए हैं, तो कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे आप दोनों को? अभी तो आज से ही शादी की शुरुआत हो रही है उनकी। नहीं नहीं, आप मुझे कोई स्पेशल टिप्स नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई। मैम आप सुन रही हैं, क्या कह रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? Yes, I'm still in love with her and we're going to get married soon. नीचे वॉच पर या राइट ऑफ द एंट्रेंस पर तुमने मीडिया वॉच So, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, और आई थिंक आज अंकिता को देखकर तो आप हैरान ही रह गए होंगे, आज जब देखा होगा इनको आपने। नहीं, पहले अंदाजा में आज आंखें मिली नहीं, लेकिन आज जो लग रही है अंकिता वो तो कमाल लग रही है, नो डाउट। हमेशा कमाल लगती है, कमाल तो इसने कर दी कि इसने हाथ लगा दी मुझे शादी करने के लिए। वैसे अंकिता, मुझे मैं एक्चुअली आज जितने भी मैरिड कपल्स आ रहे हैं आपकी शादी में जो मेहमान आ रहे हैं, मैं सबसे ये पूछ रहा था कि शादी की टिप्स क्या है, बट मॉम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे गलत सवाल पूछ रहा था, क्योंकि तो पूरी मतलब पढ़ाई करके आए, ग्रेजुएशन करके आए। यार शो में दो बार कर चुका हूँ, इतना तो सीख चुका हूँ मैं यार। अच्छा, और जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक पटेल फैमिली फॉलोज दिस, रिसेप्शन पे अक्सर लड़कियाँ गोल्ड, ऑल गोल्ड एंसेंबल में होती हैं, सो आई एम फॉलोइंग द ट्रेडिशन फॉर दैट।
मेहंदी का रंग लेकर क्या कहेंगे, करण कितना प्यार है, करण ही बताएंगे। आप तय कीजिए, लोगों की लाल होती इनकी काली हो रही है। करण आवाज बैठ है बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, अब शादी की सारी रस्में तो इतने दिनों से चल रही थी, अब हनीमून का क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हैं, आप बता सकते हैं, पीछा नहीं करेंगे? ये मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा हुआ इसलिए मैं नहीं बता सकता। अच्छा अगर आप कान मन करें तो मे बी ही कैन डू। अच्छा बेटा ऐसा क्यों हो कि सारी दुनिया को पता हो मुझे ना पता हो, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा लेकिन आपने कुछ ड्रीम डेस्टिनेशंस बताए होंगे कि आप कहाँ जाना चाहती होंगी? ऐसा नहीं, टुगेदर डजंट मैटर वेयर वी आर, हम हो सकता है आपके स्टूडियो में पहुंच जाए। हनीमून एक सरप्राइज है इनके लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, बट डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू दैट द मोमेंट वी आर बैक वी विल पोस्ट पिक्चर्स एंड वी विल प्रोबब्ली टेल गिव सेंड पिक्चर्स टू यू ऑल एज वेल सो दैट यू कैन। आज क्या पता है लड़कियों का शादी का, आज वो ख्वाब पूरा हो गया है, फाइनली पूरा दिन खत्म हो गया, जिस तरह से हाउ इज फीलिंग राइट नाउ? वेल मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा आखिरी फंक्शन है, ऑलमोस्ट चार दिनों से लगातार all we're doing is getting ready, enjoying, having fun, dancing, eating, aur ye last function hai, so I'm looking forward to it, I hope it just lasts forever. Ek last sawal, aaj main aapke papa se bhi baat kar raha tha abhi thode din pehle, he got very emotional, wo rone lage hum logo ke samne, matlab unke liye bahut hi difficult moment hai aur khushi bhi hai sath mein, gham bhi hai kyunki ekli beti hai jo ghar chhod ke ja rahi ho, to zahir si baat hai har koi bhavuk hota hai, lekin I'm sure ki us un aansuon mein bhi sirf kahin na kahin khushi thi। आज हम के कोई आंसू किसी के छलकेंगे नहीं। माय लास्ट क्वेश्चन, मिसेस पटेल, तो ऐसा कोई पहले चीज जो मिसेस पटेल बनने के बाद आप मिस्टर पटेल से मांगने वाले? हां वेडिंग गिफ्ट तो कुछ देना ही पड़ेगा ना करण। वेल हमारे प्रॉमिसेस हो चुके हैं, हमारी दो डील हो चुकी हैं जो सिर्फ हमारे बीच हैं, अब सोच रहे हैं कल से वो प्रॉमिस लागू होता है। जी बिल्कुल जी, कल से, याद रखिएगा कल से, कल से द मॉर्निंग दैट वी वेक अप। जी बिल्कुल या चलो रोल। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल कि आज क्या खतरनाक टिप्स देने आई हैं आप करण को कि कैसे शादीशुदा जिंदगी और ज्यादा खुशहाल हो जाए? ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, कुछ तो टिप्स देना पड़ेगा ना रोली जी। मैंने क्या वो छप्पा देना है, स्टाम्प देना है शादी के बाद ऐसे करना है? नहीं लेकिन मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि शादीशुदा कपल को कुछ भूलना चाहिए कि भैया ऐसा शादीशुदा है, मुझे हो गए कितने 2003 से मेरी शादी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगी हर जगह थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है आपके हस्बैंड के साथ और आपके मिसेस के साथ, तो देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ पार्टीज। अपने लुक के बारे में कुछ बताइए, बहुत खूबसूरत सा कॉस्ट्यूम मैंने आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत है ना? हाँ थैंक यू सो वेरी मच, और मैं ऑलरेडी थक गई हूँ अभी। क्या ये बहुत ज्यादा हैवी है डॉली जी? हैवी है। अच्छा तो मतलब आज लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको इतना वेट। और क्या फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से यही है कि दुआएं हैं, वेल विश है, बहुत सारी विशेस हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी दोनों कपल के लिए शुभकामनाएं और आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ पर इतने
देर से खड़े हैं, सबका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने क्या किया, आपकी केबल उलझ गई है। हां अब ये चल, इन लोगों को पकड़। अरे प्लीज।